नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। शरद पवार ने कहा कि चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जो चल रहा वो ठीक नहीं। किसी भी बारी एक्टिविस्ट जनप्रतिनिधि के संभल जाने पर रोक, 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई। भारत पाक सीमा पर पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 अत्याधुनिक पिस्टल और 10 राउंड गोलियां जब्त। तिरुपति तिरुमाला में राजनीतिक बयानबाजी पर रोक, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। सपा नेता हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान, बर्क और अन्य नेताओं को संभल जाने से रोका गया। भाजपा शिवसेना में गृह मंत्रालय को लेकर पेच, शिंदे आज शाम तक फैसला लेंगे। भाजपा ने सीएम के लिए फडणवीस का नाम तय किया। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची, राहुल भी साथ में, बोली यहां के लोगों के लिए जो बन पड़ेगा करूंगी। मंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं जारी हुआ रीट नोटिफिकेशन, मदन दिलावर बोले कुछ लोग इस परीक्षा को लेकर कोर्ट चले गए, जल्द करेंगे फैसला। राज्य की 247 मंडियां बंद रहेंगी, कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने की मांग, अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। लखनऊ में गन्ना किसानों का हंगामा, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का ऑफिस घेरा, 1,033 करोड़ बकाए की मांग। जयपुर में फेक सीबीआई ऑफिसर ने 84,000 रुपए वसूले, धमकाया, मनी लॉन्ड्रिंग के 680 करोड़ ट्रांसफर हुए, अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, भागना मत। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की मांग, शिवसेना को मिले गृह विभाग की जिम्मेदारी। हिजबुल्ला चीफ का इसराइल को हराने का दावा, कहा ये 2006 की सबसे बड़ी जीत, हम दुश्मनों को घुटने पर लाए, फिर सीज फायर किया। लखनऊ में सपा नेताओं के घर पहुंची पुलिस, नेता विरोधी दल के घर पुलिस फोर्स तैनात, सपा बोली संभल का सच बाहर आकर रहेगा। इंदौर की सड़कों पर उतरेंगे 4 लाख हिंदू, 4 दिसंबर को सर्व हिंदू समाज निकालेगा आक्रोश रैली, संगदेश्वर में 3 दिन करेगा प्रदर्शन। मुरादाबाद में सपा विधायक पिंकी समेत 10 नेता हिरासत में, बरेली में 100 कार्यकर्ताओं को पकड़ा, संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम अखिलेश गिरिवान में झांके। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, 250 की मौत, अलेप्पो में एयरपोर्ट, अस्पताल बंद, सरकार की मदद के लिए पहुंची रूसी सेना। वाराणसी कैंट स्टेशन पर आग, 200 गाड़ियां जली, पार्किंग में 1.5 घंटे तक बाइक की टंकियां फटती रहीं, यात्री डर कर भागे। पूर्व सीएम अखिलेश आ जाएंगे अलीगढ़, सपा नेता के बेटे की शादी समारोह में होंगे शामिल, पूर्व विधायकों के जानेंगे हालचाल। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, एडिलेड टेस्ट से तेज गेंदबाज हेजलवुड बाहर। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।